Heartening response ये रहा कि all sections of audience have really enjoyed it. अभी देखना है कल से शुरू हो रही है तो अभी कुछ बोलना premature है but very happy with the response. जी सबसे बड़ा compliment तो ये मिला है कि which I like because I'm improving with every film कि this is your best film up to date. तो वो मुझे अच्छा लगा और action के बारे में काफी जिक्र हुआ है. लोगों को एक्शन बहुत ही पसंद आई एंड इट्स एक्शन लाइक जैसे मतलब ऑन इंडियन स्क्रीन देव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ एक्शन सो वेरी हैप्पी विद दैट. काफ़ी मेहनत करा था हमने एक्शन पे एंड इट्स टर्न्ड आउट सुपर्ब. नो आई थिंक देर आर मेनी हैंडसम मैन इन आर इंडस्ट्री
आई थिंक जैसे जैसे अपना अक्षय ने मुझे कहा कि मुझे देख के कहा कि ये रॉकी है और मैं हैंडसम हूँ, सो आई थिंक अक्षय इज प्रॉब्ली द मोस्ट हैंडसम मैन. और लेकिन आई थिंक एवरीबडी इज़ गुड लुकिंग इन देयर ओन राइट. और मैं मानता हूँ कि हर फिल्म के साथ एक वेस्टर्न ही होता है. आई थिंक रॉकी हैंडसम इज़ वेरी स्पेशल. Fantastic. Sonakshi bahut pyari hai and she's a fantastic co-star, one of my best co-stars. Aur jo kaam Sonakshi ne kiya hai Force 2 mein aur jis tarike se Sonakshi ne action kiya hai us film ke andar, kyunki mujhe action bahut pasand hai. Ye ladki absolutely, she's absolutely got no fear. Ye har time humne kuch jump marna tha, maine kaha ki Sonakshi are you sure? She said yeah, I'm sure, I'll jump. तो सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से टेबल शी से जंप. तो वेरी प्राउड ऑफ हर. और फोर्स टू आप देखिए, हमारे जो डायरेक्टर है बहुत ही स्पेशल है, अभिनय दियो जिन्होंने डेली बेली बनाई. इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक फिल्म. जुलाई में कंप्लीट हो जाएगी फोर्स टू, तो काफ़ी टाइम है. वी स्टिल गॉट अबाउट 50% ऑफ द शूट लेफ्ट, सो वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन इट हैपेंस. हाँ, अंकित तिवारी के साथ और श्रेया घोषाल के साथ. श्रेया का जो करियर हमने शुरू किया था वो मेरे साथ शुरू किया था, जिसमें जादू है नशाए के साथ. बहुत सालों बाद हम लोग मिले एंड इट वॉज़ वेरी वेरी नाइस टू मीट हर. और ऑफकोर्स अंकित बहुत ही टैलेंटेड है और अंकित ने मुझे काफ़ी कुछ काफ़ी गाइड किया. आज अंकित के साथ ही था मैं पुणे में, सो इट्स अच्छा लगा मुझे. आप देखिए अनप्लग वर्जन, तो आप हमें बताइए कि कैसा लगा आपको. जी हमारी जो फिल्म है और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जो फिल्म है, उनके ऑडियंसेस एक्चुअली दोनों अलग ऑडियंसेस हैं, बहुत ही अलग ऑडियंसेस हैं. हालांकि दोनों एक्शन फिल्म्स हैं लेकिन ऑडियंसेस अलग है, क्योंकि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन इज़ मोर अ चिल्ड्रंस ऑडियंस. हमारी ऑडियंस जो है वो 16+ ऑडियंस है. लेकिन मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ हमारी फिल्म के बारे में. हर एक फिल्म को अच्छा बिजनेस करना चाहिए, हम यही चाहते हैं. लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी फिल्म सबसे अच्छी बिजनेस करे. और आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब. अब देखिए फिल्म विल टॉक अबाउट वर्किंग डे. या वर्किंग टुमारो मीटिंग्स फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी माय फुटबॉल टीम. तो उसके लिए मीटिंग्स है सुबह से 11:30 बजे से. आई एम गोना बी बिजी विद दैट. और उसके बाद रॉकी हैंडसम, बिकॉज इट्स यू हैव नॉट सीन एन एक्शन फिल्म लाइक दैट. जी Yeah, I don't like award functions. Yeah, it's I think the biggest award, and I सच में बता रहा हूँ, the biggest award you can get is in one person also, जो बाहर का आदमी है जो आपको आके बोले कि सर आपकी फिल्म बहुत अच्छी लगी, मैंने जो पैसे खर्च किए इस फिल्म के ऊपर, I feel very happy. मेरे लिए वो सबसे बड़ा award है, वो सबसे बड़ा reward है. और ये मेरा mindset है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि award functions बुरे हैं. लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे नाचने की आदत नहीं है अवार्ड्स पे और शादियों पे, नहीं करूँगा मैं. हाँ, अभी तो निशी सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ रॉकी हैंडसम रिलीज हो रही है, उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स की जो जिक्र करेंगे हम लोग बात करेंगे. अच्छा, निशी मुझे लेने आए अभी आप अंदर. सो होली विशेष होली मुबारक हो सबको. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस साल बहुत सारे स्टेट्स में अकाल पड़ा है, तो प्लीज़ रंगों से होली खेलिएगा, पानी से नहीं. थैंक यू. इट्स अ वेरी गुड होली. थैंक यू. रॉकी हैंडसम को लेकर ऑफकोर्स जॉन मेरे पहले फिल्म के प्रोड्यूसर थे और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. उनकी स्क्रिप्शन बहुत अच्छी है और देखता हूँ कैसे होती है वो फिल्म. होली पर ये बोला जाता है हैप्पी होली बोलूँगा और क्या बोलूँगा. कल मैं फैमिली के साथ खंडाला जा रहा हूँ, खंडाला जा रहा हूँ फैमिली के साथ. और